नहीं पता, लेकिन सबसे पहले पत्र देना, सबसे पहले विधायक का समर्थन देना कांग्रेस पार्टी को किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, ये डिनाय कोई नहीं कर सकता। छतरपुर जिले में इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एनडीए में भी, इंडिया में भी साथ है। एनडीए कैसे हारे उसकी रणनीति हमारी पीडीए है। और मध्य प्रदेश में आप क्या भूमिका रहेगी? सकारात्मक बातचीत चल रही थी कांग्रेस से, आपकी बातचीत चल रही, द्विवेदी सिंह ने कहा कि सकारात्मक बातचीत। तो ये तो आपसे सूचना मुझे मिल रही, बताओ खबर किससे मिल रही है? खबर देने वालों से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि अगर सकारात्मक बातचीत चल रही है तो सकारात्मक बातचीत का सूत्र क्या है आपके पास? एक तरफ का तो बता दिया, दूसरे तरफ का भी बता दो। छतरपुर जिले में आपके तो इसलिए मैंने आपसे कहा जो आपको दुविधा लग रही है, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है, समाजवादी साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर सीटें जीती है। और आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। क्या भूमिका रहेगी एवं कितनी जगह आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे एवं आपका जो वोट माइनस हुआ है इस पर क्या बोलेंगे? हमारी पार्टी में वोट माइनस नहीं हुआ, कुछ जगह अच्छा वोट पाए, कुछ जगह नहीं पाए, कुछ जगह रणनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस ने हरा दिया हम लोगों को। मान लीजिए कुछ कम वोट से हमारा भी जीता था, बीजेपी ने शामिल करा लिया उसको। छतरपुर जिले में जितने भी आपके पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है वो 6 महीने में ही वो पार्टी छोड़ देते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ते, मतलब दूसरे तरीके से कहिए, दूसरे तरीके से कहिए, हमारा तो एक छोड़ के चला गया, कांग्रेस से कितने छोड़ के चले गए थे? हमारा तो एक छोड़ा चलो, लेकिन वो सरकार बनवाया था। लेकिन ये असली बात आप बताइए कि क्या कारण था कि कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में चले गए? अगर वो कारण आप जानते होंगे तो हो सकता वही कारण हमारे विधायक के साथ भी रहा हो। इसलिए हमारी पार्टी इस बार निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी। देखिए राजनीति में ये शब्द तो नहीं आना चाहिए, जो मजबूत होगा वो उसको ट्रीट दिया जाए, जो नुकसान किसी का ना करे और बीजेपी को हराए ऐसे प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में देखा जाता है कि दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो समाजवादी पार्टी के पास कितना बड़ा मौका है कि अपने आप को यहाँ पर स्थापित करे, आने वाले समय लोगों को विकल्प दे कि हम भी यहाँ पर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दो दल बचे हैं, बीजेपी या सपा, तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ा है। और झुकाव इसलिए बढ़ा है कि जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, या नेताजी का जो संघर्ष का रास्ता था, वो सिद्धांत आज धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया। और देखिए उसका परिणाम क्या है, हमारे पार्टी के समर्थक न हो लेकिन ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हो गए, वो चाहते हैं जाति गणना हो, वो चाहते हैं उन्हें आरक्षण में जिस तरीके से और जगह स्थान है उसी तरह का आरक्षण बढ़ाया जाए मध्य प्रदेश में। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कितना आरक्षण मिल रहा है पिछड़ों को, मध्य प्रदेश में कम क्यों है? और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी भी जाति गणना और आरक्षण की बात करने लगी, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत, वो जनता तक पहुंच रहा है। और जिस तरीके से गुर्जर समाज या और समाज के लोग आगे आए हैं, जो पीडीए की बात कह रहे हैं उससे सहमत हैं, यहाँ परिवर्तन होना निश्चित है और समाजवादी पार्टी इन सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। इंडिया गठबंधन वर्तमान के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में? देखिए अभी इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के अंदर जो दलों का तालमेल है हमें उम्मीद है दलों का तालमेल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी तालमेल बनना है, उत्तर प्रदेश में भी तालमेल बनना है। अभी तो हमारी तैयारी स्वतंत्र है,
कल अगर हम टिकट मांगने जाएंगे गठबंधन में जाएंगे तो आप में अगर ताकत नहीं होगी तो कौन टिकट आपको दे देगा? विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब घोषित हो चुके हैं, लेकिन इनके जो भगोड़े लोग हैं क्या उनका इंतजार कर रही है समझ नहीं? भगोड़े लोग मत बोलिए, सिद्धांत वाले लोग जो हैं जो संघर्षशील है नेता, ये राजनगर यही विधानसभा है और आप लोग जानते होंगे जो विधायक हैं वो कभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने ओपनिंग की थी इंडिया गठबंधन। क्या आप लोगों ने अभी तय कर पाए हैं कि 24 मई जो चुनाव होगा उसमें पीएम का उम्मीदवार के लिए? देखिए मैंने इस सवाल का जवाब कई मौकों पर कई स्थानों पर दिया है। इस इंडिया अलायंस में बहुत सी चॉइस है, आपको उम्र के हिसाब से चॉइस चाहिए तो उम्र के हिसाब से चॉइस है आपके पास, कम उम्र का चाहिए तो वो भी आपके पास है, ज्यादा उम्र का चाहिए वो भी है आपके पास, मुख्यमंत्री चाहिए वो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी है, फिर अगर आपको जाति के हिसाब से चाहिए हो, पिछड़ा चाहिए हो, अगड़ा चाहिए हो, दलित चाहिए हो, मुस्लिम चाहिए हो, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है सोचिए आप। और मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं